नमस्कार दोस्तों, फिलोसॉफी के बारे में बात करते हुए अगर हमने फिलोसोफर्स के बारे में ही बात नहीं की तो फिर बात में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो सीरीज़ के 10वें एपिसोड यानी इस एपिसोड से अगले कुछ एपिसोड्स तक मैं बात करूंगा कुछ फिलोसोफर्स के बारे में, और खासकर इस एपिसोड में मैं बात करूंगा ईसा पूर्व के कुछ ऐसे फिलोसोफर्स के बारे में जो हिंदुस्तान की सीमाओं से, हिंदुस्तान के दायरे से बाहर के फिलोसोफर्स हैं। और इस क्रम में सबसे पहला नाम है थेलिस का। थेलिस था एक यूनानी दार्शनिक। 624 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ और 547 ईसा पूर्व में उसकी डेथ हो गई, यानी उसका सारा कामकाज आज से करीब 2500 साल पुराना है। थेलिस एक बहुत अच्छा मैथमेटिशियन था और ज्योमेट्री पर तो उसका कमाल का कमांड था। उसकी बताई हुई कई सारी थ्योरम्स हमें अपने स्कूल के दिनों में जरूर पढ़ी होंगी। ये देखिए, ये थेलिस थ्योरम है जो आपने अपने स्कूल के दिनों में जरूर पढ़ी होगी अगर आपने ज्योमेट्री में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लिया होगा तो। इसके अलावा कई सारी थ्योरम्स ऐसी हैं जो ज्योमेट्री में हमें थेलिस के द्वारा बताई गई हैं और हमने उनको जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा है। वो अलग बात है कि हमारे स्कूल में थेलिस के फिलोसोफी के बारे में मैथमेटिक्स के टीचर ने कुछ खास नहीं बताया होगा। कुछ खास क्या, मुझे लगता है शायद कुछ भी नहीं बताया होगा। कहा जाता है कि थेलिस ने मिस्र के पिरामिडों की ऊंचाई मापने की टेक्निक भी डेवलप कर ली थी। इसके अलावा कहा जाता है कि अंतरिक्ष विज्ञान में भी उसका बड़ा अच्छा कमांड था, और यह भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण की सटीक तारीख बताने में उसे महारत हासिल थी। थेलिस को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। उसकी बड़ी इज्जत है फिलोसॉफी के फील्ड में, लेकिन ये सारी इज्जत केवल उसकी ज्योमेट्री की थ्योरम्स की वजह से नहीं है, बल्कि इस वजह से भी है कि थेलिस 2500 साल पहले का एक ऐसा दार्शनिक, एक ऐसा फिलोसोफर था जिसने फिलोसॉफी को माइथोलॉजी से बिल्कुल अलग रखा। उसने ये नहीं कहा कि तमाम किस्से कहानियाँ जो प्रचलित हैं भाववादी दार्शनिकों के बीच में कि इस दुनिया का जन्म किसी भगवान ने किया है, बल्कि उसने कहा कि इस दुनिया का जन्म हुआ है पानी से, इस सृष्टि का निर्माण हुआ है पानी से, पानी ही इस दुनिया का, इस कुदरत का, इस ब्रह्मांड का आधार है। यह अलग बात हो सकती है कि ये सिद्धांत, ये बात गलत है कि पानी ही सबका आधार है, क्योंकि पानी खुद एक पदार्थ है और उसका भी कोई ना कोई आधार होता है। लेकिन कम से कम 2500 साल पहले कोई दार्शनिक यहाँ तक तो पहुँचा कि पदार्थ की निर्माण के लिए, पदार्थ के जन्म के लिए पदार्थ ही आधार है। उसने किसी खुदा को, किसी भगवान को तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं बताया ना। इस हिसाब से 21वीं शताब्दी के उन प्रोफेसर्स को थेलिस को पढ़कर थोड़ी सी शर्म कर लेनी चाहिए जो आज के ज़माने में तमाम चमत्कारी किस्से कहानियों का हवाला देते हुए इस दुनिया के निर्माण के लिए पदार्थ को नहीं बल्कि चेतना को जिम्मेदार ठहराते हैं। अब बात करते हैं हेराक्लिटस की। हेराक्लिटस भी यूनानी दार्शनिक था। 540 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ और 480 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। हेराक्लिटस ने भी थेलिस की ही तरह इस दुनिया की उपज के लिए, इसके उदय के लिए, इस दुनिया के, इस ब्रह्मांड के जन्म के लिए एक पदार्थ को ही जिम्मेदार माना था। उसने कहा था कि इस पूरी दुनिया का जन्म, इस पूरे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है अग्नि से, यानी कि ज्वाला से, आग से, और इस तरह से वो भी एक प्रोग्रेसिव थिंकर, एक प्रोग्रेसिव फिलोसोफर माना जाना चाहिए। हेराक्लिटस ही वो व्यक्ति था जिसने बताया था कि हम एक ही नदी में दो बार नहीं नहा सकते क्योंकि पानी लगातार बहता रहता है। हालांकि ये बात उसने नदी के पानी को देखकर कही थी। अगर उसने कुएं के पानी को देखकर कोई सिद्धांत दिया होता तो क्या दिया होता, कि पानी कभी भी नहीं बहता? चलिए, ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन हेराक्लिटस की तीन बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नंबर वन, उसने बताया कि इस दुनिया का निर्माण किसी खुदा ने, किसी ईश्वर ने, किसी सृष्टिकर्ता ने नहीं किया है। दूसरी बात उसकी कमाल की यह है, उसने बताया कि इस दुनिया में चेंज इज परमानेंट, मतलब केवल बदलाव, केवल परिवर्तन ही एक ऐसी चीज है जो स्थायी है इस दुनिया के अंदर, और ये बड़ा कमाल का सिद्धांत है। इसके अलावा उसने एक और बात कही थी, उसने कही थी कि इस कुदरत के अंदर पदार्थों के बीच में लगातार संघर्ष चलता रहता है, और इसी संघर्ष को आज हम अंतर्विरोध कहते हैं। ये आज से 150-200 साल पहले का सिद्धांत है जिसे 2500 साल पहले हेराक्लिटस ने दे दिया था। यानी द्वंद्वात्मकता का जो सिद्धांत है, द्वंद्ववाद का जो सिद्धांत है, 2500 साल पहले देने वाला पहला व्यक्ति था हेराक्लिटस। अब बात कर लेते हैं डेमोक्रिटस के बारे में। डेमोक्रिटस भी एक यूनानी दार्शनिक था। 460 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ,
370 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। वो एक गुलाम मालिक परिवार से था, तो गुलामों के बारे में या दास प्रथा के बारे में उसकी क्या राय थी हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि वो कई मायनों में बड़ा ही प्रोग्रेसिव थिंकर था। उसने ये कहा कि चेंज इज परमानेंट, इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। उसने ये भी कहा कि इस सृष्टि का निर्माण किसी सृष्टिकर्ता ने, किसी भगवान ने या किसी इंसान ने भी नहीं किया है। लेकिन इन सब के अलावा उसने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही। उसने कहा कि ये दुनिया बनी है मॉलिक्यूल्स से और बनी है वैक्यूम से। निर्वात और मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु मिलकर बनाते हैं इस दुनिया को। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये टूटते रहते हैं, फिर जुड़ते रहते हैं, और उसकी वजह से ही नई नई चीज़ें, नए नए पदार्थ इस दुनिया में बनते रहते हैं, अस्तित्व में आते रहते हैं। बाद के फिलोसोफर्स ने डेमोक्रेटस के इस सिद्धांत को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म माना, और 1841 में कार्ल मार्क्स ने अपनी जो PhD की थीसिस लिखी उसमें उन्होंने कुदरत को देखने के डेमोक्रेटस के और एपिक्यूरियन जो तरीका है उसके अंतर को स्पष्ट किया है, उसका परीक्षण किया है। अगला फिलोसोफर है प्लेटो। 427 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ, 347 ईसा पूर्व में ये मर गया। ये भी यूनानी दार्शनिक था, लेकिन ये भौतिकवादी नहीं था, ये भाववादी था। ये कहता था कि दुनिया में जो कुछ हमें दिखाई देता है वो सब काल्पनिक है, अवास्तविक है, हमारे विचारों का, हमारी चेतना का, हमारे कल्पनाओं का ही वो एक परछाई है। और वो भौतिकवादियों के बड़ा खिलाफ था। वो कहता था कि जितने भी भौतिकवादी हैं, जितने भी नास्तिक हैं, जो भी लोग धर्म को नहीं मानते, ईश्वर को नहीं मानते, उन्हें अपराधी घोषित किया जाना चाहिए, उन्हें मार दिया जाना चाहिए, उनका सिर कलम कर दिया जाना चाहिए। मतलब इसके ज़माने में अगर मैं होता तो मेरा भी बंटाधार था। लेकिन इस बात से यह समझना चाहिए कि 2500 साल पहले भी नास्तिक हुआ करते थे। कई लोग कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में कलयुग में नास्तिक पैदा हुए हैं, उनको इस बात से कुछ सबक लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि प्लेटो एक लोकतंत्र का हिमायती था, लेकिन ये गलत बात है, क्योंकि प्लेटो पहली बात तो एक सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करता था। गुलाम मालिकों में भी जो सबसे अमीर गुलाम मालिक होते थे उनके परिवार से बिलोंग करता था प्लेटो। चलिए कोई बात नहीं, अगर वो कुछ अच्छी बात कह लेता तो हम उसका पक्ष रख लेते, हम उसको बुरा भला ना कहते। लेकिन ये आदमी ऐसे ही गुलाम मालिकों के रिपब्लिकन स्टेट का हिमायती था, सच्चे लोकतंत्र का हिमायती नहीं था। गुलामों के प्रति, दासों के प्रति उसका रवैया भयानक क्रूरता से भरा हुआ था। ऐसे व्यक्ति को हम लोकतंत्र का हिमायती भला कैसे कह सकते हैं। अब बात करेंगे आज के इस एपिसोड के आखिरी फिलोसोफर यानी कि अरस्तु के बारे में। अरस्तु भी एक यूनानी दार्शनिक था। 384 ईसा पूर्व में उसका जन्म हुआ, 322 ईसा पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। वो प्लेटो का स्टूडेंट था, लेकिन प्लेटो का वो अंधभक्त नहीं था। उसने कुछ बातें प्लेटो से अलग जाकर भी कही, जैसे कि उसने ये कहा कि ये दुनिया जो है ये मनुष्य की सोच पर आधारित नहीं है, ये वास्तविकता में एग्जिस्ट करती है और इसका आधार कोई ना कोई पदार्थ ही है। उसने ये भी कहा कि पदार्थों में गति होती है। उसने ये भी कहा कि जितनी भी चीज़ें, जितने भी पदार्थ हैं, उनकी सारी जानकारी उनका अध्ययन करके ही हासिल की जा सकती है। इस वजह से ही ब्रह्मांड का भी अध्ययन करना चाहिए और हम ब्रह्मांड को समझ सकते हैं। तो ये सारी बातें उसने अपने गुरु जो थे प्लेटो उनसे अलग जाकर कहीं, लेकिन उसने एक जगह पर थोड़ा झोल डाल दिया, क्योंकि वो प्लेटो का स्टूडेंट था। अगर वो ये बात नहीं कहता तो हो सकता है कि प्लेटो उसकी गर्दन कटवा देता। मतलब उसने कहा कि इस दुनिया को एक सृष्टिकर्ता चलाता है, भगवान चलाता है। अरस्तु को दर्शन शास्त्र का पितामह भी कहते हैं। पता नहीं क्यों कहते हैं, जबकि अरस्तु से पहले इतने बेहतरीन बेहतरीन फिलोसोफर्स आकर इतनी बेहतरीन बेहतरीन बातें कह चुके हैं, फिर भी इस अरस्तु को पता नहीं क्यों दर्शन शास्त्र का पितामह कहते हैं। और पितामह ही क्यों कहते हैं, क्योंकि कोई भी महिला आज तक फिलोसोफर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शायद इसलिए नहीं हुई क्योंकि इन गप्पबाज मर्दों की तरह, इन गप्पबाज पुरुष फिलोसोफर्स की तरह उन्होंने अपने आप को फालतू की बातों में लगाने की बजाय मेहनत के काम करने में लगाए रखा था। ऐसा नहीं है कि ईसा पूर्व के ज़माने में केवल यूनान में ही दार्शनिक पैदा हुए थे और केवल यही 4-5 दार्शनिक पैदा हुए थे जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है। कई सारे दार्शनिक हुए हैं और दुनिया के तमाम हिस्सों में हुए हैं, और भाववादी भी हुए हैं, भौतिकवादी भी हुए हैं, लेकिन मैंने तो अपनी बात आप तक सिर्फ संक्षेप में पहुंचाई है, शॉर्ट में पहुंचाई है। अगले एपिसोड में मैं कुछ भारतीय फिलोसोफर्स के बारे में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आप फिलोसोफी सीरीज़ के बाकी के पुराने सारे वीडियोस को देख लीजिए, अपने दोस्तों को दिखाइए,
इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अपने दोस्तों से भी कहें कि वे भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक एक वीडियो बनाने में इतनी मेहनत लगती है, उसका कुछ तो फल मिले। शुक्रिया।